ये वाला मेरा आइस बॉक्स, इसमें ये बैंगन, ये आलू, ये घिया, लौकी, ये फिर से आलू, बैंगन का प्लांट एक और बीच में, और ये यहाँ से, और यहाँ से देखिए यहाँ पर इतने बने हुए हैं, ऊपर आ गए हैं मिट्टी से। यहाँ से मिट्टी नीचे थी तो मिट्टी ऊपर आने की वजह से ये जो मैंने मूर्ति रखी हुई है ये थोड़ी सी इम्बैलेंस से हो गई है, बैलेंस नहीं रहा इसका। और यहाँ से देखिए ये व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। अगर ये प्लांट जो हमने ये सारे प्लांट्स लगाए हैं अगर ये फ्रूट नहीं भी दें तो खूबसूरती तो दे ही रहे हैं। ये देखिए गुलाब, वहाँ गुलाब, इधर इधर मुंह करो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओह, अगर ये कोई फ्रूट नहीं भी दें, ये पिछली बार वहाँ इसमें इस वेल में बहुत सारे अंगूर के गुच्छे लगे थे पर वो सारी गिलहरी खा गई। एक और लगा हुआ, ये मैंने अभी देखा, छोटे छोटे लग भी गए। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने खा के देखा था, मीठे थे तो अभी रसीले नहीं हुए थे और गिलहरी अपना काम कर गई। अगर इनसे हमें इन प्लांट से अगर फ्रूट नहीं भी मिले ना तो ग्रीनरी तो मिल ही रही है, ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, तो ग्रीनरी के लिए ऑक्सीजन के लिए ये प्लांट ज़रूर लगाएं, ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। टाइम की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी बहुत मनी की इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो मस्ट है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये टमाटर। ये व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखकर जो खुशी मिलती है वो कहीं से आप खरीद नहीं सकते हो। ये देखिए ये खूबसूरती आपको आर्टिफिशियल प्लांट से नहीं मिलेगी। इनको बढ़ता देखकर जो खुशी होती है, रोज़ पत्ते खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते टूट जाते हैं, नए फूल खिलते हैं, इन सब को देख के अलग ही मज़ा आता है। और ये तितलियाँ देखकर कहाँ गई। ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो है ही, और नहीं कुछ तो। सूरज ढल गया, शाम हो गई, यहाँ भी देखिए कितनी ग्रीनरी है, ग्रीनरी कितनी बढ़िया लग रही है। अब ज़रा ओवरव्यू दिखाऊँ अपने गार्डन का।